హలో వెల్కమ్ టు బ్రాక్ స్పీచ్ స్పోర్ట్స్. సో ఈరోజు మనం డ్రీమ్ హ్యాక్ ఈవెంట్కి 2022 హైటెక్ సిటీలో ఉన్న ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్కి అయితే కూడా వెళ్ళబోతున్నాం. ఈరోజు చాలా అంటే చాలా సూపర్ ఫన్గా ఉండబోతుంది. సో బ్రాక్ ఈస్పోర్ట్స్ వ్లాగ్ని అయితే కూడా మీరు చూడండి, అండ్ ప్రతి ఒక్కరూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే కూడా చేసేసుకొని, అండ్ మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే కూడా వ్లాగ్ ఈ వీడియో లింక్ అయితే కూడా షేర్ చేయండి. సో దీంతో మనకి వ్యూస్ అయితే కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో లెట్స్ గో, మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ రీచ్ అయితే అయిపోయినాం సో ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్కి. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఎంట్రన్స్ అయితే కూడా ఉంది. సో ఈ ఎంట్రన్స్లో ఫౌంటైన్ అంత ఉంటుంది, అండ్ ఇక్కడ మనకి టికెట్ కౌంటర్స్ అయితే కూడా ఉంటాయి. రైట్ సైడ్లో మనకి ప్లేట్స్ అందరూ ఇక్కడ రైస్ బ్యాండ్స్ అయితే కూడా ఇక టికెట్స్ తీసుకొని వేసుకోవాలన్నమాట. సో రైస్ బ్యాండ్స్ హ్యాండ్స్ ఉంటేనే అలా ఉంటుంది లోపలికి. సో ఇదైతే ఉన్న హాల్కి అయితే ఎంట్రన్స్ ఉంది. సో లెట్స్ గో, అండ్ అందరు కామెంట్స్లో అయితే కూడా తెలిసే వెక్ ఎస్పోర్ట్స్ అన్ని ప్రతి ఒక్కరు అయితే కూడా కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మనకి ఫ్రంట్లో ఉన్నదైతే అక్కడ క్లాష్ ఆఫ్ క్లాన్స్ గేమ్ స్టేజ్ అయితే ఉంది, అండ్ ఇక లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే కూడా చూసుకోవచ్చు మనకి పబ్జి న్యూ స్టేట్ ల్యాన్ ఈవెంట్ అయితే ఉంది. సో మనం పబ్జి న్యూ స్టేట్ ఇక్కడ ఎంట్రన్స్ అయితే కూడా అవుతున్నాం. సో ల్యాన్ ఈవెంట్కి అయితే కూడా టోటలీ ప్లేయర్స్కి అయితే కూడా సపరేట్ ప్లేసెస్ అలౌట్ చేసినారు. సో ఈ గేమ్స్కి అయితే కూడా తమకు ఇచ్చిన ప్లేసెస్లో అయితే కూడా కూర్చొని ఉండాలి. అండ్ లెట్స్ గో, ఇక్కడ కాబట్టి వాయిస్ ఓవర్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నామంటే, సో ఈరోజు అండ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం అయితే కూడా మనం బ్రేక్ ఈ స్పోర్ట్స్ నుంచి ల్యాండ్ ఈవెంట్ అయితే కూడా ఆడుతూ ఉన్నాం, అండ్ ఇక్కడ మా టీం అయితే కూడా చూసుకోవచ్చు, అండ్ ప్లేయర్స్ అయితే కూడా ఫుల్ ఆఫ్ ఫుల్ జ్యూస్లో రెడీ అయితే ఉన్నాం. సో పబ్జి న్యూ స్టేట్ అయితే కూడా ఈరోజు మ్యాచెస్ అయితే కూడా స్టార్ట్ అవబోతుంది, అండ్ లెట్స్ గో, అండ్ దిల్సే బ్రేక్ ఈ స్పోర్ట్స్. एक फाइट हमारे ठीक सामने टीम DF के ध्रुव, जिनके पास है कुछ भी नहीं, और उनके ठीक सामने टीम नंबर 4, और उनके पास है सब कुछ. अब मिल रहे उनको बस मेड्स वगैरह, बट गन कहाँ है बॉस? जब आप एक्सट्रीम लोकेशंस में जाते हैं सेफ खेलने के लिए, कई बार ऐसा हो जाता है वहाँ पे कंटेस्टेशन हो जाती है. फिलहाल धूप के साथ वही हो चुका है, इनका दिल खराब है, नसीब खराब है. डाल लीजिए सिंपल सी चाय भी अगर आप पीते हैं तो, आई थिंक चार मीनार के पास देयर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, वहाँ पे बहुत सुंदर रानी चाय मिलती है. बट फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे नो जल का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे पोटेशन ये हमने देखा है बहुत टीमों को निभाते हुए, एंड नेवर एंड्स वेल, नेवर. मैं चाहती हूँ ये अच्छे तरीके से एंड ना हो. They'll get wrecked. प्लेयर्स बचे हैं, स्पॉट कर चुके हैं रेक ईस्पोर्ट्स को भी, तो अभी तक तो इनसेन के पास इंफॉर्मेशन के मामले काफी चीजें आ चुकी है. अब उस इंफॉर्मेशन पे कैसे कैपिटलाइज करेंगे, एंड चांस है अभी या नहीं, क्योंकि रेक ईस्पोर्ट्स राइट ऑन द फेस बिल्कुल उनके सामने यहां पे आते हुए, हां थोड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं रेक ईस्पोर्ट्स? वेल, गलती कर रहे हैं या फिर उसका फायदा उठाएंगे थोड़ी देर में ही पता चलेगा. रायमन के साथ अपने से एक प्लेयर नॉक, और उसके बाद पीछे रेक ईस्पोर्ट के जो एक लौते प्लेयर बचे उनके तरफ भी यहाँ पे मंजे हुए थे. रायमन और फेरो ने जो कमान संभाली अपनी टीम की, अजीम बच्चे आखिरी प्लेयर टीम रेक के, उनके ठीक बगल में एक दूसरे टीम के अरमान भी वहाँ पे मौजूद है, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा क्रूशल रहने वाला है किस तरीके से एक्ट आउट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं अपने टीममेट्स को बचाने की. यहाँ पे जार्विस थोड़े से HP कम है उनकी, जल्दी से जाके उनके पास रेस्ट देना पड़ेगा उनको, क्योंकि ठीक बगल में यहाँ पे असला के जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि आप लड़ लो, जो भी बचता है हम देख लेंगे, क्योंकि ये जो टीम नंबर 2 वाली असला है ना, मुझे लगता है के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ओपन में प्लेयर जा रहे हैं उनको कोई आइडिया नहीं है दूसरी टीम कहाँ पे है. फिलहाल तो रेक ईस्पोर्ट्स के जार्विस रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहे थे, बट फिलहाल थोड़ा सा दिक्कत में आते हुए दिखाई देंगे ओनली टुडे. जस्ट रिमाइंडर, और चैट में अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि कैसे रजिस्टर करें, अगर कोई टीम है तो हमें बताओ. चैट में कोई नहीं बताएगा, आपको वेन्यू पे आना पड़ेगा. एग्जैक्टली, घर पे बैठे कुछ ना हो रहा मियां, जल्दी से जल्दी हाईटेक एग्जीबिशन से बात चल रहा है यहाँ पे. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे काफी ज्यादा फन होने वाला है, क्योंकि देखिए सारे प्लेयर्स भी रेडी हो चुके, देयर इज ऑल जस्ट वेटिंग फॉर द गेम टू गेट स्टार्टेड. थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, एंड मजा काफी. तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ डेविल बॉय को ड्राइविंग में होते हुए दिखाई दे रही है फिक्सेस, किस तरीके से वो पार्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. रेक ईस्पोर्ट्स उनके बगल में है एंड ही स्टिल डीलिंग विद द व्हीकल. या एंड देखिए यहां पे तमाशा ड्यूड होने वाला है, नसीर बेहतरीन नॉक यहां पे रेक ईस्पोर्ट्स के जाविस के ऊपर,
एंड रैक ईस्पोर्ट्स की शुरुआत फिर से इतनी बेहतरीन नहीं होती भी, काफ़ी सारे फैंस इनके चहीते सपोर्टर्स हैं जिनका दिल तो ज़रूर टूट रहा है, बट रैक ईस्पोर्ट्स यहाँ पे दे आर रिटेलिएटिंग बैक। नासिर एक नंबर स्प्रे जिसको बोलते हैं मियाँ, और MK14 काफ़ी टाइम बाद म्यूटेंट को देखने को मिल रहा है इन एक्शन। इनफैक्ट MK47 यादें काफ़ी वीक हो चुकी है मेरी, बट फिलहाल के लिए टीम नंबर 6 और टीम नंबर 8 के बीच में भिड़ंत होती हुई यहाँ पे एक 1v2 सिचुएशन में फिलहाल नासिर, क्योंकि डेविल बॉय जो उनके टीममेट है वो वहाँ पे नॉक पड़े हैं शायद। फिनिश भी हो गई है, दैट मींस नासिर अकेले बचे हैं अपनी टीम से, क्या कर पाएंगे? प्लेयर्स को नॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रैक 1, 2, 3 को नॉक किया, बट रिवाइव यहां पे आते हुए 4 फिनिश आ चुके हैं, दैट मींस उनकी पूरी टीम यहां पे जो है एलिमिनेट होते हुए रैक ईस्पोर्ट्स 4 फिनिश पॉइंट बटोर चुके हैं। प्लेसमेंट पॉइंट लेने पड़ेंगे, सेकेंड आना पड़ेगा तभी वो प्राइज मनी मिलेगा, या फर्स्ट आना पड़ेगा 15,000 के लिए, एल्स आपको मिलेंगे सिर्फ पॉइंट्स, मात्र पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अब ये देखिए शवल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फाफड़ा, फाफड़ा खाना होता है। That's a Gujarati dish. But I think this is फाड़ा or something. फाड़ा or something. Yeah. Something with F. जी हाँ, something with F. तो बात करेंगे present की, क्योंकि present से हम future को look on to करने वाले हैं, ये सब future है इस game का। Then action late game का थोड़ा survive हो जाएगा। लेकिन आप देखिए हो चुकी है शुरुआत, आप साइड में finish speed को देख सकते हैं, चलना शुरू हो चुकी है, रैक को डाउन किया गया, इनफैक्ट फिनिश किया गया है ध्रुव के द्वारा। अब थोड़ी देर में ये भी पता चलेगा क्यों सर्कल किस तरीके से रहता है, लेकिन यहीं पर रैक ईस्पोर्ट काफी अच्छे तरीके से खेलते नजर आ रहे हैं, लेकिन असला के खिलाड़ियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ये उसके बाद से बात करी जाती है कि आपके आप में से किसके पास चिकन डिनर ज्यादा है, अगर दोनों के पास चिकन डिनर सेम है तो रीसेंट चिकन डिनर किसको मिला है वहां जा करके बात खत्म हो जाती है, क्योंकि वो तो देखिए एक को ही मिलेगा। ये बात तो बिल्कुल बरकरार सही बोली है मिस्टर शर्मा जी ने, बिल्कुल जी बिल्कुल। और हमारे फ्रेंड्स अभी भी बरकरार टिके हुए हैं, इनका स्टैमिना खत्म नहीं होने वाला, बिकॉज दे आर ऑल सेट टू डोमिनेट द स्टेज ऑफ ड्रीम हैक 2022 एंड एवरीवन वाचिंग अस। गाइस अगर आप स्पेक्टेटर हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, गुड फॉर यू, बट इफ यू वांट टू चैलेंज योरसेल्फ एंड यू थिंक कि आपके अंदर वो बात है कि आप पैन फेस्ट के अंदर कुछ गजब कर सकते हो, कुछ गजब दिखा सकते हो, अपना सिक्का साबित कर सकते हो, देन यस Get yourself registered and start competing ASAP. बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो गोवा के लड़के हैं उड़ीसा से, वो उन्होंने अभी अभी अपना कमबैक किया है, he is back, the king of tantrums, Mr. Amrit Fixes Gaurav, welcome, yeah. welcome brother. काफी तारीफ चल रही थी मेरी, और and you have to accept it, brother. Unfortunately, you said it again, first match had them. బట్ యాజ్ ఎ 5 with 3 kills 3 kills ఆ 4 kills అయితే కొట్టినాం. సో నెక్స్ట్ టైం కూడా ఇంకా మ్యాచ్ ఉందన్నమాట, సో చూద్దాం నెక్స్ట్ టైం ఈసారి కూడా చికెన్ డిన్నర్ కొట్టేసి ట్రై చేద్దాం. సో లెట్స్ గో. సో మ్యాచెస్ ఆడినట్టు ఫుల్ అంటే ఫుల్ ఆకలైంది. సో ఇక్కడ క్యాంటీన్కి అయితే కూడా వచ్చేసాం, సో చికెన్ బిర్యానీ అయితే చూసినాం. సో హైదరాబాద్ ఫేమస్ చికెన్ బిర్యానీ కదా, సో తగ్గదల అనమాట ఫుడ్లో అయితే కూడా. సో అందరం అయితే కూడా చికెన్ బిర్యానీ తీసుకున్నాం, సో డిస్కస్ చేసినాం అనమాట ఇక్కడ. సో ప్లేయర్స్ ఎలా ఆడుతున్నారని, సో ఇక్కడ ర్యాండమ్గా ఒక డిస్కషన్ వేసుకొని, సో ఇట్లా తర్వాత ఇంకా మన నెక్స్ట్ మ్యాచెస్ అయితే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన ఇక్కడ టైం కూడా ఎక్కువ ఇవ్వలేదు, ఓన్లీ 20 మినిట్స్ అయితే కూడా బ్రేక్ ఇచ్చినారు. సో స్పీడ్గా అయితే కూడా మనం ఇక్కడ తొందర చికెన్ బిర్యానీ తినేసి అమ్మీ అమ్మీగా అయితే కూడా, సో స్పీడ్లో మన మ్యాచెస్కి మనం బన్ సకతా హై, క్యూంకి బాకీ ప్లేయర్స్ కో బాకీ టీమో కో ఫైట్ కర్తే హువే జానా పడేగా. అబ్ బస్ इंतजार इस चीज का है कि अगला सर्कल कटेगा तो कहां। आई थिंक ये जो सर्कल है काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा अभी, और ऑलरेडी 19 मिनट हो चुके गेम के अंदर, 26 प्लेयर 7 टीमें, एंड इनसेन के पास एक हाई ग्राउंड एडवांटेज है, उनको कहीं भी मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, प्लस जो सर्कल के अंदर उनकी वैल्यू है उनको वो पोजीशन आराम से स्पैम करनी चाहिए, एंड दे कैन सिक्योर अ नाइस पोजीशन. निंजा पे को शॉट देने की कोशिश, स्कारल पे इन्होंने 6-6 लगा रखा है बिल्कुल. हालांकि मुझे लगता है कि ये गेम 30 मिनट भी जा सकता है अगर सही से ये खिलाड़ी खेलते रहे और सब रुके रहे तो. ये कैसा एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम सिर्फ रूल्स में है, गेम प्ले तो इन्होंने प्रॉपर एक क्लासिक वाला कर दिया है. बस दे आर सीरियस, नो स्टार्टिंग में मजाक कर रहे होंगे. अब देखिए ना, इतना पैसिव अप्रोच तभी होता है जब आप एक एक कदम फूंक फूंक के रखते हो कि भाई कोई गलती ना हो जाए. पहले एक स्काउटर जाके पूरा एरिया चेक कर रहा है, उसके बाद सब टीम आईजीएल ने पूरा स्मोक वगैरह करा के कराया. बट ये सभी जो ड्रोन से सामान मंगाया था उसकी वजह से पोजीशन अच्छी खासी रिवील हो गई है, एंड अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया बिकॉज किसी ने तो स्पॉट कर लिया उनकी पोजीशन रिवील है, बट जो उन्होंने ड्रोन मंगाया था उनके लिए तो एवरीथिंग इज सरप्राइज.
एग्जैक्टली, तो दिक्कत बहुत ज्यादा बन सकती है। लेकिन यहीं पे आप देखिए वेंकी को देखा जरूर गया था, हालांकि रेक के खिलाड़ी जस्ट ऐसे ही पहुंचे, उसके बाद पीछा पीछा आपके आ जाता हूं मैं। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम करिए, आप जाइए और थोड़ी सी महफिल की तरफ बढ़िया आगे, और अच्छा लगेगा आपको देखने में। फिक्सेस हैव अ ग्रेट शो, बट यह एवरीवन वार्मिंग अप एंड डिस्कसिंग कि क्या हुआ। ये तीन नाम यहाँ पर देखने को मिलते हुए पूरे सिचुएशन के अंदर, हालांकि बैक एंड पर टीम नंबर 9 के जो खिलाड़ी है वो भी फाइट करने की पूरी कोशिश करेंगे। काफी करीब आ चुके हैं, निक्सन को देखिए कितना ज्यादा आगे जा चुके हैं। इनफैक्ट एक खिलाड़ी को डाउन भी किया जाएगा उनके द्वारा, अब और आगे की फाइट करने की कोशिश है। रायत की बात करी जाए वो भी फाइट निकालना जरूर चाहते हैं, हालांकि अब ये तो पानी का एरिया इतना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, यू नेवर नो कभी भी कौन सी भी चीज हो सकती है। बट ट्रैक ने काफी अच्छा ब्रिज कैंप लगा रखा है, अगर कोई भी ऑफ गार्ड आता है दे आर ऑल केपेबल टू टेक देम डाउन। और एक अच्छा टीपीपी, बट उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आसपास उच्च पहाड़ियों का एक एंगल भी उनके लिए वल्नरेबल हो सकता है, मतलब केयरफुल तो रहना पड़ेगा। एक और एवेन्यू है कि आप वो ईस्टर्न साइड ले लो और ले मारी छलांग पानी के अंदर अभी के लिए। अरे आई थिंक सेफ खेलना चाह रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि सामने शायद कोई हो सकता है। अब सामने देखने का जो फील होता है वो कुछ अलग ही होता है, मतलब मैं अभी लोगों से मिल रहा हूँ ना, सभी आ जा रहे हैं लाइक से। टीम नंबर 4 के प्लेयर्स भी मौजूद है, टीम नंबर 4, टीम नंबर 7, टीम नंबर 4 के जो 2 प्लेयर्स है वो लेट चुके हैं। ओ गोली चला दी, पोजिशन रिवील कर दिया और काफी ओपन पे भी मौजूद। एंड यही है वो छोटे मोटे रुकी मिस्टेक्स जो यू नो अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देते हैं। एंड यहाँ पे 11 और उनकी टीम इतनी बेहतरीन दिन नहीं गए, कहीं ना कहीं क्लोज जा रहे हैं, बट अभी भी वो चिकन डिनर के तलाश में टीम नंबर 4, देखते हैं क्या कमाल दिखा सकते हैं। इन द मीनवाइल रेक ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स काफ़ी फैन फॉलोइंग है, चैट पे आ जाते हैं यहाँ पे ढेर सारा प्यार दिखाने के लिए, बट अब तक वो रेसिप्रिकेशन नहीं हो पाया। एंड देखना ये रहेगा कि यहाँ पे प्लेयर्स किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टीम नंबर 9 भी मौजूद है। డే 1 మ్యాచెస్ అయితే కూడా అయిపోయినాయి, సో ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ అయితే మన ఇన్స్టాగ్రామ్ అఫీషియల్ రికీ స్పోర్ట్స్ పేజ్లో అయితే కూడా అప్లోడ్ చేసినాం, సో మీరు అక్కడ చెక్ చేసుకొని ఫేవరెట్ ఈ స్పోర్ట్స్ క్యాస్టర్స్ అండ్ కంటెంట్ క్రియేటర్స్ని అయితే కూడా కలిశాను, సో లెట్స్ గో. మ్యాచెస్ అయితే కూడా అయిపోయింది, సో వీఆర్ గివెన్ అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ అనమాట, సో రిజల్ట్స్ డజంట్ మ్యాటర్. సో ఈ రోజు మేము చాలా అంటే చాలా ఎంజాయ్ చేసినాం, అండ్ మంచి మంచి కంటెంట్ క్రియేటర్స్ అండ్ పెద్ద పెద్ద ప్లేయర్స్ అయితే కూడా కలిసినాం. అండ్ లెట్స్ గో, అండ్ ఇంకోటి స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ ఉంది, సో మన ఈ స్పోర్ట్స్లో సో ప్రతి టీంకి అయితే కూడా ఒక మంచిగా సాలిడ్ టీమ్ని చేయడానికి అయితే కూడా డైలీ స్ట్రీమ్స్ అయితే కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాం, సో T1, T2, T3 స్ట్రీమ్స్ అయితే కూడా ర్యాక్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఛానల్లో డైలీ కండక్ట్ చేస్తాం. అండ్ టాప్ 3 టీమ్స్కి అయితే కూడా ర్యాక్ ఈ స్పోర్ట్స్ నుంచి సర్టిఫికేట్ అయితే కూడా ఇస్తున్నాం, అండ్ డైలీ పాయింట్స్ టేబుల్ అయితే చూస్తున్నాం కాబట్టి అండ్ మీ టీమ్తో రిజిస్టర్ చేసుకోండి అండ్ డైలీ ఆడండి, అండ్ అండర్ డాగ్ టీమ్ నుంచి ఒక అఫీషియల్ టీమ్ అయితే కూడా మారండి. అండ్ లెట్స్ గో, లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు ర్యాక్ ఈ స్పోర్ట్స్ అండ్ వ్లాగ్ అయితే కూడా ఎంజాయ్ చేయండి. I don't know if I can do this again. బాగుంది, లాక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఓకే.